नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम नारियल के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। ये 2 चम्मच घी लिया है। ये नारियल हमने घर में ही पीस करके और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, छोटे छोटे पीस काट करके। और ये काजू, पिस्ता, बादाम और ये कंडेंस मिल्क। गैस पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। इस फ्लेम में थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें नारियल डाल दीजिए इस तरीके से, और इसे अच्छे से भून लीजिए। ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है। ये देखिए भून गई है। ये देखिए इस तरीके से एक प्लेट पे निकाल करके इसे रख लेंगे और गैस को जला दिया है। और इसमें डालेंगे घी। घी हमने 2 चम्मच लिया था तो 1 चम्मच पहले डाल दिया था नारियल भूनते टाइम में, और 1 चम्मच अभी डाल रहे हैं। और गैस को मंदी कर देंगे। इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये हमने बाजार का कंडेंस मिल्क मंगाया है। कंडेंस मिल्क इसमें डाल दिया है और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छी उबाल आ गई है। अब हम गैस को मंदी कर देंगे और थोड़ा सा इसे और चलाएंगे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ये हमने बादाम लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो भी नारियल के लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये काजू और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे, और पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको डालना है तो, और अगर नहीं डालना है तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल। नारियल अगर आप चाहें तो बाजार से भी मंगा सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। गैस को मंदी रखा है, इसे हम थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा कड़क हो जाए। नहीं तो जो हमने ये कंडेंस मिल्क डाला है और वो तो लड्डू हमारे नरम रह जाएंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है, ये हमारा पूरा लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट पे निकाल करके रख लेंगे। ये देखिए हमने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे, नहीं तो अभी बहुत गर्म है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और इतना थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ेंगे और इसका लड्डू बनाएंगे। ये देखिए एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लेंगे।